थिंक टैंक हम लोगों ने मिलकर एस्टेब्लिश किया यहाँ पे जो गुवाहाटी में बेस्ड रहेंगे। हमारे हिस्टोरिकल टाइज है, एक ही किस्म का आदमी है, पहले एक ही देश था, तो वो टाई को हम कभी भूल नहीं सकते। पहले भी हमने देखा हुआ है, जब भी बांग्लादेश में 71 वॉर के समय भी काफी इन्फ्लक्स हुआ था रिफ्यूजी का, उसके बाद भी इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा चलता है, वो मुद्दा हमारे दोनों देश को प्रभाव करता है। तो इसलिए जो है बांग्लादेश में कोई भी डेवलपमेंट होगा उसका प्रभाव नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे खास तौर पे जरूर पड़ेगा। नया थिंक टैंक हम लोगों ने मिलकर एस्टेब्लिश किया यहाँ पे जो गुवाहाटी में बेस्ड रहेंगे, और हमारा प्राइमरी फोकस है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के डेवलपमेंट के ऊपर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और उसके चारों तरफ के जो इलाके हैं हमारे, और साथ ही साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, उसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया का क्या इम्पोर्टेंस है उसको हाईलाइट करना, और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के जो एस्पिरेशंस है उसको पॉलिसी मेकर्स जो नेशनल लेवल पे है या रीजनल लेवल पे, उनके पास कैसे लाया जाए, ये मेन फोकस रहेगा हमारा। और इस को ध्यान में रखते हुए अभी जो हाल ही में बांग्लादेश में जो इंसिडेंट हुआ है 5 अगस्त को, और उसके बाद जो बांग्लादेश के जो अंदरूनी हालात है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे देश के ऊपर और हमारे देश को क्या कदम उठाना चाहिए, उसके बारे में हमने एक पेपर प्रस्तुत किया है जिसको आज हमने रिलीज किया है। तो बांग्लादेश में जो हालत अभी है, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा आपके हिसाब से? नॉर्थ ईस्ट इंडिया का बहुत सारा इलाका जो है हमारे 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है, उसमें से तकरीबन आधा बॉर्डर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ है बांग्लादेश के, और कोई भी ऐसे नेबरहुड में कोई भी अगर इंसिडेंट होता है, कोई भी हादसा होता है, उसका प्रभाव पड़ोसी देश पे हमेशा होता है। और हमारे हिस्टोरिकल टाइज है, एक ही किस्म का आदमी है, पहले एक ही देश था, तो वो टाई को हम कभी भूल नहीं सकते। हिस्टोरिकल टाइज है, कल्चरल टाइज है, भाषा एक प्रकार के है, रहन सहन एक प्रकार के है, और पहले भी हमने देखा हुआ है, जब भी बांग्लादेश में 71 वॉर के समय भी काफी इन्फ्लक्स हुआ था रिफ्यूजी का, उसके बाद भी इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा चलता है, वो मुद्दा हमारे दोनों देश को प्रभाव करता है। तो इसलिए जो है बांग्लादेश में कोई भी डेवलपमेंट होगा उसका प्रभाव नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे खास तौर पे जरूर पड़ेगा।